कभी आपने महसूस किया है कि आपके आंसू निकल रहे हो और आप साथ में हंस रहे हो? कठिन होता है ऐसा करना, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में आपको ऐसा करना सिखा जाए, समझ लेना वो ही जीने का असली सलीका सिखा कर गया है। इन्हीं में एक नाम था कानपुर की तंग गलियों से निकले सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं नवनीत, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लव 24 न्यूज में। दरअसल बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। आज राजू श्रीवास्तव की नहीं बल्कि उस सत्य प्रकाश की मौत हुई है जिसके शरीर में राजू श्रीवास्तव रहते थे। आज वो सांस ले रहे होते तो शायद इस बात पर अजीब सा मुंह बनाकर कहते, अच्छा। जो लोग राजू श्रीवास्तव को करीब से जानते थे वो उनके जीने के फंडों से भी काफी वाकिफ थे। नकारात्मकता को कभी पास ना आने देना भी एक कला है और राजू इस कला में माहिर थे। वो कहते थे, जीवन का सही आनंद लेना है तो भैया जिंदगी की जो भी नकारात्मकता है उसे सकारात्मक सोच में बदल दो, नहीं तो जीने का मजा नहीं ले पाओगे। इसके साथ ही राजू का हमेशा एक और फंडा रहता था, अपनी कमजोरियों और मजबूरियों को छिपाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इन्हें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। आप देखेंगे कि आपकी यही बातें सकारात्मकता रूप ले रही। एक बार राजू ने कहा था कि लोग आपको चाहे जितना दुत्कारे, फटकारे और गालियां दे, आप धैर्य रखिए और एक हल्की मुस्कान चेहरे पर रखिए। ये आपकी ताकत में अजीब सा इजाफा कर देगी और आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। राजू हमेशा कहते थे कि अपने काम से प्यार कीजिए क्योंकि यही आपको आपकी पहचान देगा। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आप चाहे जितने बड़े क्यों ना हो जाएं, अपना परिवार, अपनी जमीन, अपने मोहल्ले, अपने शहर और अपने लोगों से जुड़ाव किसी भी हाल में खत्म ना करें, क्योंकि यही वो बातें हैं जो संघर्ष के दिनों में आपको मनोबल प्रदान करती है।